अपना सीक्वेंस वाला पोनी प्रिंट पाउट दिखाऊंगी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने पाउच में एक स्टेपलर रखा है, एक स्टेपलर पिन का बॉक्स रखा है, एक बुकमार्क रखा है, ये एक अलग टाइप का बुकमार्क है और ये एक अलग टाइप का बुकमार्क है। ये है मेरा क्यूट सा पोनी वाला पेन। ये मेरी क्यूट सी इरेजर है। मैंने एक लिड पेंसिल भी रखी है। ये लिड पेंसिल की लिड्स है, बस और भी रखी हुई है। और मैंने जो बॉक्सेस में रखी हुई थी वो मैंने इसमें ही डाल दी थी, थोड़ी बहुत बची होगी। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा पेंसिल रखी है। मेरे स्कूल में रेड कलर पेंसिल का काम होता है तो मैं रेड कलर पेंसिल रखी है। और ये है मेरी रेजर। आप इसे ऐसे रब कर सकते हैं और अगर आपको ये इरेजर निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और इसके साथ एक और इरेजर भी मिली थी। और ये है मेरी पोनी वाली इरेजर। और मैंने एक फेविस्टिक भी रखी है। मैंने दो शार्पनर भी रखे हैं। और मैंने इरेजर्स भी रखी है। ये मल्टी कलर इरेजर है। ये मैंने अभी तक यूज नहीं की है। मैंने इससे पहले भी एक ली थी लेकिन वो थोड़ी ओवल जैसी थी और ये स्ट्रेट सी है। और मैंने ये 10 रुपीज की ली थी। और ये है मेरी ग्रीन इरेजर। और सुबह स्कूल जाना था तो एक दिन मम्मी ने बोला कि जल्दी सोओगे तो मैं गिफ्ट दूंगी, तो मम्मी ने मेरे को दे दिया गिफ्ट। आगे इसकी इरेजर है और पीछे शार्पनर है। अगर आप इसे शार्प करोगे तो इसका सारा डस्ट पेंसिल का इस इधर जाएगा और फिर आप इसे निकाल सकते हैं। और अगर आपको अपनी मैम जाने ना दे डस्टबिन में शार्प करने तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको मेरा पोनी वाला पाउच कैसा लगा बताना। और मैंने ये 300 रुपीज का परचेज किया है, आप भी करना चाहो तो कर सकते हो। और ये बहुत ही क्यूट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।